और दोस्तों बद्रीनारायण भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों चरण मंदिर के लिए बद्रीनाथ मंदिर से आपको इधर से चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है चरण मंदिर। तो चरण मंदिर भी चलते हैं भाई, इन पहाड़ियों पे जा रहा है चरण मंदिर का रास्ता। जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल की जो चरण पादुका 2.5 किलोमीटर 2500 मीटर तो चलते भैया। चलो जी चलो चरण पादुका। और दोस्तों भाई यहाँ पे है ना सभी गाय है ना छोटी छोटी नस्ल की है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है। और सामने में वाटरफॉल देखो कितना सुंदर है, झरना। देखो कितना सुंदर झरना है। श्री हनुमान गुफा, बोलो बालाजी महाराज की जय। और दोस्तों लॉक लगा हुआ है मंदिर के, बाकी चरण पादुका आगे और भी चलते हैं। बाकी ये देखो यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर। और भाई सांस भर चुका है भयंकर तरीके से, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। कुछ भी हो जाए सांस भर जाए, दर्शन तो करके चलना है भैया चरण पादुका के, बहुत ही सुंदर अद्भुत। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और दोस्तों सामने में देखो भाई बर्फ के पहाड़, ये बर्फ। और दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही सुंदर नजारा है। और वो सामने में चरण पादुका, और कितनी सुंदर सुंदर प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पे। और पहाड़ी भाषा में इसे बुग्याल बोलते होंगे, कमेंट करके जरूर से बताना कि इन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल बोलते होंगे। बाकी सांस भर चुका है दोस्तों। और देखो पेड़ देखो आप कितने गजब के पेड़ हैं, नहीं? और यहाँ पे देखो बहुत सारी यहाँ पे इतनी जड़ी बूटियाँ होगी कि अपने को मालूम भी नहीं है कि कितनी जड़ी बूटियाँ हैं पूरे पहाड़ों में। और ये थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं अपन यहाँ से। और दोस्तों ये है बाबाओं की कुटिया, सामने में चरण पादुका, नीलकंठ पर्वत मार्ग। और दोस्तों ये सामने मार्ग जा रहा है नीलकंठ पर्वत मार्ग। भाई अब अपने साथ रह गए भाई, और ये परेशान हो चुके हैं बहुत, जो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। अब इनकी श्रद्धा नहीं है चलने बढ़ने की, आगे बढ़ने की। विष्णु तो हार मान रहा है हर जगह से, लेकिन भाई एक बार आ गए जो आए गए, दोबारा यहाँ पे आना असंभव है। एक बार जो आ गया वो आ गया, बाकी तो भगवान की कृपा हो सकती है तो दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े करोड़पति भी यहाँ पे आ नहीं सकते जल्दी से। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है यहाँ पे आ नहीं सकते कोई भी। बाकी बहुत ही सुंदर नेचर है, और चरण पादुका आप पहुँचे आपको दर्शन करवाते हैं।
बाकी देखो क्या प्राकृतिक सुंदरता है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। दोस्तों बोर्ड लगाओ भैया, यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखें, चरण पादुका परिसर में नशा वगैरह कुछ भी गंदगी ना फैलाएं, चरण पादुका कृपया पॉलीथीन वगैरह का सबका, समझ रहे हो भाई। और दोस्तों ये है श्री नारायण जी के चरण पादुका, ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय। और आगे चलते हैं, अंदर थोड़ी जा रहा है जा, आगे अखंड ज्योति गुफा है, दर्शन का समय 8 बजे से 5 बजे तक। आपको चरण पादुका के दर्शन करवाए दिए हैं, अब चलते हैं दोस्तों सरस्वती नदी के लिए। और दोस्तों यहाँ के आंटी जी से पूछते हैं, आंटी जी कहाँ जा रहे हैं रास्ता? नीलकंठ महादेव जी के। अच्छा वो हमेशा खुले रहते पट, या वो भी 6 महीने खुलते हैं 6 महीने बंद रहते हैं? जब यहाँ का पाठ बंद होता तो बंद हो जाता, तो अच्छा वो दिखाई दे रहा कोरा लग रखा है। हाँ वही है नीलकंठ। अच्छा वो बर्फ पड़ी है। हाँ। वो नीलकंठ ही है, वो नीलकंठ है। ओहो, और दोस्तों सामने में जो पहाड़ पे बर्फ दिख रही है ना, वो नीलकंठ ही है दोस्तों। तो भाई जब यहाँ पे है ना बद्रीनाथ के पट लग जाते हैं तो यहाँ का मार्ग भी बंद हो जाता है, यहाँ पे भी आप जा नहीं सकते हो। अभी अगर आप जा सकते हो नीलकंठ महादेव जी के तो जा सकते हो, बाकी वरना नहीं जा सकते। और अब मैं तो इनको चाहता हूँ कि भाई नीलकंठ महादेव जी चलो, नरेंद्र भैया और विष्णु भैया मना कर दिए कि भैया अब चलो नीचे। बाकी यार देखो वहाँ बर्फों में है भोलेनाथ की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अब चलते हैं माँ सरस्वती नदी के लिए, जो कि वहीं से उद्गम होती है और वहीं पे समाहित हो जाती है पाताल लोक के अंदर। चलते हैं देखा माँ कैसा क्या है दृश्य, कैसे दर्शन होते हैं, सब देखने से ही मिलेगा अद्भुत नज़ारा। और दोस्तों चरण पादुका के दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। बद्रीनाथ का टेंपल लिया पढ़ने याददाश्ती के लिए, ताकि भाई जब भी देखेंगे तो याद आएगी कि बद्रीनाथ अपन दर्शन करके आए थे। और एक केदारनाथ का भी लिया हुआ है टेंपल, कि जब भी देखें तो याद आए। और राम जन्मभूमि का टेंपल भी भाई लिया हुआ है, क्योंकि आपका भाई राम जन्मभूमि अयोध्या भी जब उद्घाटन हुआ था तब गए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद में दर्शन करके आ चुके हैं। अयोध्या तो मैं 3 बार जा चुका हूँ राम लल्ला के दर्शन करने के लिए। जय बद्री विशाल। दोस्तों अभी भैया टाटा नैनो एक सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है, और इसको गर्म करते थोड़ी देर, क्योंकि भाई यहाँ ठंडा माहौल इतना है कि वो में तो भैया आप अगर आते हो तो कम से कम पाँच मिनट ना अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखना। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ अपनी बाइक को और अपनी कार को भैया है ना 5 मिनट हमेशा वार्म अप करते हैं, सुबह भी चलाते हैं तो 2 मिनट तक है ना, 2 मिनट तक है ना कम से कम स्टार्ट करके रखते हैं, और एक्सीलेटर नहीं देते हैं क्योंकि है ना इंजन में से सारा ऑयल नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद में क्या है अपन स्टार्ट करते हैं एक्सीलेटर देते हैं, इंजन तेजी स्पीड से घूमता है बहुत, तो रफली में है ना डैमेज भी होता है अंदर से, तो इसलिए हमेशा आइडियल पे स्टार्ट रखो ताकि इंजन डैमेज ना हो। और भैया ये अपनी टाटा नैनो प्यारी, सामान वामान पैक कर रहे हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं आगे और भी दर्शन करवाएंगे आपको। दोस्तों आपको वसुधारा भी दिखाएंगे इसी वीडियो में, बने रहो, पार्ट बाय पार्ट सारे ब्लॉग आएंगे केदारनाथ के। और दोस्तों गाड़ी तो भाई अपने पास है ना इनोवा भी है, लेकिन अपनों का क्या है एडवेंचर करने की आदत है, तो इसलिए टाटा नैनो लेके आए। बाकी रतन टाटा जी को दिल से सलूट है भाई, इतनी प्यारी इतनी सुंदर गाड़ी बनाई है, मतलब शानदार गाड़ी है, 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं, 5 तो कंफर्टेबली बैठते हैं बिल्कुल, और पूरी पहाड़ी में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई है। जहाँ ना बड़ी गाड़ी जा सकती है जहाँ अपनी टाटा नैनो भी जा सकती है, इतना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, क्योंकि भाई इसके अरे पीछे के टायर चलता है ना, तो
पीछे से पुश मिलता है, ऐसा पिकअप मिलता है, ऐसा पंच मिलता है, जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो ना, ऐसा पंच मिलता है इसके अंदर। शानदार बाकी नज़ारा देख ही लो आप यहाँ का। दोस्तों निकल चुके हैं माणा गांव के लिए, सरस्वती नदी और गणेश गुफा और वासुधारा आपको दर्शन करवाएंगे। अब वहाँ जा रहे हैं वासुधारा और गणेश गुफा।